नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज सभी का प्रेडिक्शन फेल हो गया, कोई सोचा नहीं था कि आज इंडिया हार जाएगी, भी वो भी इतने बुरे तरीक़ों से। तो सेमीफाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में फाइनली इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और सेमीफाइनल में 18 रन से हार चुका है। तो अब बात ये आ रही है, आखिर मैच क्यों हारा गया? क्या कोहली ने हराया मैच? क्या विराट कोहली के ओवर कॉन्फिडेंस ने हराया? अब देखिए, कोहली का जो रिएक्शन है वो धोनी पे रिएक्शन आया है कोहली का, जिससे धोनी और भी मायूस हो गए हैं और हो सकता है कि वो संन्यास ले लें। तो आपकी राय क्या है कि धोनी को संन्यास लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? पूरी रिपोर्ट मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लें और सभी को शेयर कर दें। तो आइए पूरा मैटर जानते हैं कि आखिर मैच हारने के बाद कोहली ने क्या कहा है और धोनी इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। टीम इंडिया के नाम दर्ज हुआ वर्ल्ड कप 2019 का ये शर्मनाक रिकॉर्ड, हर एक बल्लेबाज फेल। तो बिल्कुल ये सही बात है, तो देख लेते हैं। देखिए जो रिपोर्ट है, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में टीम इंडिया की टीम को बेहद ख़राब शुरुआत मिली। टीम इंडिया ने इस हाई वोल्टेज मैच के पहले 10 ओवर में 240 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए 24 रन बनाए, जिसमें 4 विकेट खो दिए थे। वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया के सबसे खराब स्कोर है। टीम इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड कप 2019 में किसी भी टीम द्वारा पहले पावर प्ले में बनाए गया सबसे कम स्कोर है। टीम इंडिया ने पहले पावर प्ले में ना सिर्फ 4 विकेट खोए बल्कि 24 रन ही बनाए। ऐसे में कह सकते हैं कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में टीम इंडिया मुश्किल में है। हालांकि टीम इंडिया की इस पारी से न्यूजीलैंड के नाम यह शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज था, जिसने इसी मैच के पहले पारी में 10 ओवर में 27 रन बनाए थे। खास बात यह रही कि न्यूजीलैंड ने सिर्फ 1 विकेट खोया था और 239 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिहाज से काफ़ी स्कोर बड़ा था। तो ये तो था, अब देख लेते हैं कि क्या धोनी को रिटायरमेंट लेना चाहिए। आप लोगों को क्या राय है? आप लोग आज जो इंडिया हारी है उसका जिम्मेवार किसे ठहराते हैं? जब इनसे पूछा गया विराट कोहली से, तो विराट कोहली ने कहा कि धोनी ने अभी तुरंत में इंटरव्यू में, जैसा आप लोग भी सुने होंगे कि विराट कोहली ने कहा कि धोनी ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि रिटायरमेंट लेनी है या नहीं। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है, इंडियन कैप्टन विराट कोहली सेड MS धोनी हैजंट इन्फॉर्म्ड हिम और द टीम एनीथिंग अबाउट दिस फ्यूचर। इंडिया लॉस द वर्ल्ड कप 2000 सेमीफाइनल टू न्यूजीलैंड बाई 18 रन इन ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पे विराट कोहली ने कहा कि MS धोनी ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि वो कब संन्यास ले रहे हैं, यानी कि एक तरह से उन्होंने एक गुस्सा दिखाया है कि उन्होंने जो धीमी पारी खेली है उनका गुस्सा विराट कोहली ने दिखाया है, जिससे धोनी भी काफ़ी मायूस हुए हैं और वो जल्द ही रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज के मैच पे खास वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या धोनी को रिटायरमेंट लेना चाहिए या विराट कोहली इस मैच के हार के जिम्मेवार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।